नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त चाहिए तो दोस्तों जल्द से जल्द आपको ये काम करना होगा, वरना जो है आपकी भी जो है आने वाली अगली किस्त जो है अटक सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार की ओर से देश के हर किसानों को हर साल जो है 6,000 रुपये की आर्थिक मदद सहायता राशि जो है मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत अब तक जो है कुल 7 किस्तें जो है सरकार किसानों को भेज चुकी है और जल्द ही जो है अगली किस्त यानी कि 8वीं किस्त भी भेजने की तैयारी में है। लेकिन इस योजना की पूरी व्यवस्था में सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बता दें, सबसे पहले अब जो है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत है यानी कि जमीन है, यानी पहले की तरह पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को अब इस स्कीम में लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप पुश्तैनी जमीन के कागजात में आपका नाम नहीं है तो तहसील में जाकर इसका समाधान आप करवा सकते हैं, वरना जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आपकी जो है अटक सकती है। इस तरह दी जाएगी किस्त तो किस तरीके से, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मोदी सरकार के लिए नए रजिस्टर्ड किसानों के बैंक अकाउंट में हर वित्त वर्ष में 6,000 रुपये की यानी कि 3 किस्तों के माध्यम से राशि आएगी। प्रत्येक किस्त की राशि जो है 2,000 रुपये दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की साल की पहली किस्त जो है 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवम्बर तक और तीसरी किस्त जो है 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में आती है। तो दोस्तों अब जो है अब किस प्रकार से जो है जानकारी देनी होगी, तो मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही शुरुआत कर दी थी। बीते कुछ समय में इसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई, कुछ झोल इसमें पाया गया, जिसकी वजह से सरकार ने इसमें कुछ सुधारने का निर्णय लिया है और सरकार ने किसानों को आवेदन फोरम में अपनी जमीन का प्लॉट नंबर भी बताना अनिवार्य कर दिया है और नए लाभार्थियों को इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, जबकि पुराने लाभार्थियों को इसमें खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इन तमाम बदलाव के साथ जो है अब इस स्कीम में पैसे प्राप्त करना बहुत ही बड़ा यहाँ पे काम कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस स्कीम में पैसे प्राप्त करने हैं, अगर इसका लाभ लेना है, तो आपको भी जो है अब जल्द से जल्द पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जमीनी जो नंबर है प्लॉट नंबर जो है वो दर्ज करना होगा, तभी जो आपको इस स्कीम का लाभ अब मिल पाएगा। तो दोस्तों ये थी अहम जानकारी जो इस स्कीम को लेके बड़ी अपडेट हुई है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हमने आपको अवगत कराया है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी इसी प्रकार से नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें।